बाबा साहब का बेटा हूँ, देश का मूल निवासी हूँ। तो यह मूल निवासियों की परिभाषा है। और मूल निवासी भी जो मेन विषय, उसको एक मिनट में अपनी बात रिकॉर्ड करूंगा कि अभी हमारे पत्रकार बंधु जो नेशनल टाइम्स और संतावास के मनोज जी और हमारे डॉक्टर साहब थे और वो संबंध नेशनल दस्तक से पूछे जो बातचीत चल रही थी कि निजीकरण के फायदे क्या है। मैंने कहा देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से निजीकरण का बिल्कुल विरोध नहीं करता। आप किसी भी संस्था को निजीकरण करो या सरकार खुद चलाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार फेलियर है तो निजीकरण कर रही है, लेकिन भैया सीधी सी और स्पष्ट सी बात है, आप सब खुद चलाओ या किसी से चलवाओ, हमारा 22.5% फिक्स होना चाहिए। इतनी सी बात है। आप निजीकरण में 22.5% आरक्षण रखते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी आपत्ति ये है, ये क्यों निजीकरण कर रहे हैं? निजीकरण में आरक्षण नहीं है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इस देश की मनोवादी सरकारों को ये पता है, उनको मालूम है कि इस देश के मूल निवासी जो 22.5% लोग नौकरी के बल पर इस देश में तनख्वाह लेकर के आईएएस पीसीएस बनकर के जज कलेक्टर बनकर के जो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको जो मोटी तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह से कहीं ना कहीं देश के अंदर मूल निवासियों का आंदोलन चल रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा, नौकरियां नहीं रहेंगी तो पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो आंदोलन नहीं चलेगा। लिहाजा उनका सीधा सीधा टारगेट इस देश के अंदर मूल निवासी आंदोलन को खत्म करने का है। लिहाजा हम इस लेवल पर निजीकरण का विरोध करते हैं और समर्थन नहीं करते। समर्थन करते हैं तो भैया हमारा 22.5% का पूरा फिक्स होना चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए सबसे पहले, और होना तो चाहिए कम से कम 85% जितनी देश के अंदर मूल निवासियों की संख्या है। आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सुनीता जी 5-6 साल पहले कभी मैं इनके प्रोग्रामों में कविता सुनाने के लिए आया करता था, छोटे छोटे प्रोग्रामों में। अब प्रोग्रामों की व्यवस्था है, पूरे देश में जाना होता है, तो मैं फिर भी साधुवाद आप सब लोगों को देता हूँ। प्रिंस को, मैडम को, बाकी सब लोगों को, कैलाश जी बैठे, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग लगे रहे। मीडिया के साथी संतावास से हमारे मनोज अंबानी जी, नेशनल दर्शक से हमारे बड़े अजीज मित्र मेरे छोटे भाई शंभू, एसएम न्यूज वाले हमारे पिपल साहब, और नेशनल टाइम्स से हमारे डॉक्टर किशन स्वरूप जी की पूरी टीम आई है। ये दलित मीडिया है और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि दलित मीडिया के अच्छे तरीके से काम करें। इसके लिए सभी का साधुवाद, मीडिया के उन लोगों का विशेष साधुवाद। क्या बोलते हैं।